ऐसी गणना शास्त्रों में लिखी है। हम भारत के लोग ना जिस दिन से सृष्टि बनी थी उस दिन का भी आपको लेखा जोखा बता सकते हैं, शास्त्रों में लिखा है। ये दुनिया के साइंस लोग वैज्ञानिक लोग कहते हैं 2000 साल पहले मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति थी, इसके पहले कुछ नहीं था। ये लोग 2000 साल पहले के पीछे का कुछ जानते नहीं, और हम लोग तो लाखों साल की बात आपको बता देंगे क्या था उसके सबूत के साथ। ऐसा नहीं कोरी बातें करके चले जाएंगे। 5500 साल पहले द्वारिका थी, इसके सबूत मिल गए हैं। द्वारिका पानी के भीतर मिल चुकी है 5500 साल पहले, भागवत में लिखा है। भागवत कृष्ण कब आए? 5500 साल पहले द्वापर में। अभी कलयुग की आयु कितनी बीत गई? लगभग 5500 वर्ष बीत गई। अभी 432000 में 5500 माइनस कर दो तो शेष आयु आ जाएगी। तो महाभारत हुआ था, पुरातत्व विभाग को वहां की खुदाई में महाभारत के अस्तित्व मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं। मतलब लोग मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को प्राचीन मानते थे, हमारे वेद पुराणों ने सिद्ध करके बता दिया कि इनमें जो लिखा है लाखों लाख साल पुरानी राम सेतु, 10 साल तक नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, बाद में कहना पड़ा कि राम सेतु मानव निर्मित है। कितने वर्ष पुराना है राम सेतु? त्रेतायुग का। कितने लाख साल बीत गए? हाँ जी, तो आप 2000 साल पुरानी बातें करते हैं, हम लाखों साल पुराने सबूत के साथ बात करते हैं। हमारे ग्रंथ आपको भटकाने वाले नहीं बल्कि सही मार्ग पर लगाने वाले हैं।